20 मई को दिल्ली की सरकार गिराने के बाद चेन्नई को सीधे गुजरात के खिलाफ मैदान पर उतरना है ताकि फाइनल का टिकट कटाया जा सके। लेकिन चेन्नई का ये सफर आसान रहने वाला नहीं है क्योंकि गुजरात टाइटंस काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। इसके अलावा चेन्नई के खिलाफ गुजरात अजेय साबित हुई है और बार बार चेन्नई को गुजरात के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मित्रों दिलचस्प कहानी ये है कि चेन्नई क्वालिफाई मुकाबले में भी अजेय रही है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर रिकॉर्ड मायने नहीं रखते बल्कि जज्बा और जोश मायने रखता है। आखिर आप कितने बेहतर है। दोस्तों आईपीएल 2023 का पहला क्वालिफाई मुकाबला चेन्नई और गुजरात के बीच होना बिल्कुल तय है, लेकिन उससे पहले चेन्नई को अपना आखिरी लीग मुकाबला 20 मई को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ भी खेलना है। इसके अलावा दोस्तों पिछले मुकाबले में चेन्नई को कोलकाता के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन गुजरात के खिलाफ क्वालिफाई मुकाबले में एमएस धोनी कोई गलती नहीं करना चाहेंगे और पहले क्वालिफाई मुकाबले से पहले चेन्नई में 3 बड़े बदलाव होने वाले हैं क्योंकि गुजरात के खिलाफ जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए एमएस धोनी चेन्नई का नया वर्जन लॉन्च करने वाले हैं और हम इस पूरी वीडियो में 3 बड़े बदलाव को लेकर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा आप भी चाहते हैं कि चेन्नई इस बार ट्रॉफी अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चेन्नई ने इस आईपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन के दम पर प्लेऑफ में जगह बनाई है और एमएस धोनी टीम को जब भी प्लेऑफ में लेकर गए हैं तो चेन्नई फाइनल में पहुंचती है, लेकिन कानपुरी ईंट जैसी मजबूत गुजरात को पेलने के लिए एमएस धोनी सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाले हैं। वो कैसे आइए जानते हैं इन 3 बड़े बदलाव के साथ। तो दोस्तों नवीन कुमार और गौरव त्रिपाठी जी ने कमेंट किया था कि रायडू को टीम से बाहर कर देना चाहिए। इनका कहना भी सही है क्योंकि रायडू ने इस सीजन में 12 मुकाबले खेले हैं और केवल 122 रन ही बनाए हैं, जिससे रायडू के खेलने पर सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मोइन अली भी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, ना तो मोइन अली ने रन बनाए हैं ना ही विकेट चटकाए हैं। मोइन अली ने केवल लखनऊ के खिलाफ ही विकेट निकाले हैं और इसी कमजोरी को देखते हुए आने वाले मुकाबले में ये 3 बड़े बदलाव होना बिल्कुल तय है, जिसमें गुजरात टाइटंस के खिलाफ बेन स्टोक्स की वापसी होना भी निश्चित है, जिससे चेन्नई का मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रांग हो जाएगा और चेन्नई वाले 16 करोड़ वसूल करना चाहेंगे और बेन स्टोक्स भी शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे जो कि नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों मोइन अली की जगह ऑलराउंडर खिलाड़ी मिचेल सेंटनर की टीम में वापसी हो सकती है, जिनके T20 रिकॉर्ड काफी शानदार है। मिचेल सेंटनर दोस्तों अब तक 83 T20 मुकाबले खेलकर 90 से ज्यादा विकेट अपने नाम कर चुके हैं और गुजरात टाइटंस के खिलाफ एमएस धोनी मोइन अली की जगह मिचेल सेंटनर को मौका दे सकते हैं। दोस्तों आईपीएल 2023 के पहले क्वालिफाई मुकाबले में चेन्नई इसी बदलाव के साथ मैदान पर उतरने वाली है, लेकिन आपके हिसाब से टीम में कौन से बड़े बदलाव होना चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हां जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आईपीएल की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।